दोस्तों आज की इस वीडियो में इश्क मा रिस्क है फिल्म का YouTube पर फुल वीडियो अपलोड करने का रिलीज डेट तारीख बताएंगे। दोस्तों इस फिल्म को YouTube पर फुल वीडियो अपलोड करने का सभी जनता जनार्दन को बहुत टाइम से इंतजार में था और इस फिल्म को YouTube पर फुल वीडियो अपलोड करने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों को आए दिन सोशल मीडिया पर सभी जनता जनार्दन बहुत ज्यादा डिमांड में था। तो फाइनली अब जाके सभी लोगों का सपना पूरा हुआ, इस फिल्म को बहुत जल्द YouTube पर अपलोड किया जाएगा। यही सब कुछ आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो जानने के लिए बने रहें दोस्तों वीडियो में बिल्कुल पूरा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। जैसा कि दोस्तों लायरा प्रोडक्शन की बैनर तले बनी इश्क मा रिस्क फिल्म है, जिसका निर्माता है लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल और निर्देशक कहानी स्क्रिप्ट राइटर किया है आलेख चौधरी। दोस्तों इसको 22 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म सभी सिनेमा घरों में पूरा हाउसफुल और सुपरहिट हुआ था। और दोस्तों इस फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में दिखाई दिया था मन कुरेशी और अनुकृति चौहान आदि, इन दोनों एक्टर एवं एक्ट्रेस इस फिल्म में दिखाई दिया था। दोस्तों इस फिल्म में एक लड़का को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और उनके फैमिली इन दोनों का प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। यही सब कुछ इस फिल्म में प्यार मोहब्बत और जंग की लड़ाई को दर्शाया गया है। दोस्तों इस फिल्म का नाम से ही स्पष्ट है कि इस फिल्म का कहानी प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ सीन दिखाई देता है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे पॉइंट पर आते हैं कि इस फिल्म को कब YouTube पर अपलोड किया जाएगा। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को दिवाली की शुभ अवसर पर रिलीज करने का संभावना बताया गया है। दोस्तों इस फिल्म को YouTube पर अपलोड करने का अनाउंसमेंट जारी है और प्रोड्यूसर लोगों का कहना है कि अब जनता जनार्दन को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, अति शीघ्र ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों इस फिल्म इश्क मा रिस्क है को देखने के लिए कितने लोग इंतजार में है नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना। और दोस्तों आगे भी ऐसे ही नए नए जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल चुनरिया पटेल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।